Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and this is an elementary school classroom in a slum. A poem hai aapki, aur poet Stephen Spender is the poet. Classroom dekh rahe hain, and these are things, those are hung on the walls. Aur ye fourth lecture hai. There are total four lecture, video lectures on this one. To recall karte hain, ye slide yahan tak pichli slide hai uska hissa. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits of stones. Their body is called slag heap. This metaphor has been used to emphasize their weak bodies. Unke kamzor sharir ko dikhane ke liye metaphor use kiya gaya. Slag heap kaha unki jism ko, unke body ko. Ki wo to slag ka dher hai, jo thoda sa aisa chhu do to gir jaye ekdam. Which have no vitality left in them due to lack of nutrition. Unke shareer mein nutrition ki kami ki wajah se kuch bhi shakti nahi hai. To aage badhte hain, ye hum kar chuke the. Slag is a powder like material. Slag ek powder jaisa material hota hai that falls down when coal is dug out from the mines. Coal jab khoda jata hai mines mein se nikala jata hai to टूट टूट के कुछ कण गिर जाते हैं, वो ढेर बन जाते हैं काफ़ी. या आयरन को काटा जाता है या गलाया जाता है तो तब भी इस तरह का आयरन का भी होता है स्लैग, और इन किसी भी मटेरियल का स्लैग हो सकता है. इट्स हीप हैज नो पावर टू इंटेग्रेट इटसेल्फ. जैसे ईंटों का बुरादा बोलते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है. लकड़ी कितनी मजबूत होती है जब इंटेग्रेट होती है, जब जुड़ी हुई होती है वो बुरादा. और जब वो बुरादा का ढेर बना लो, वो लकड़ी नहीं है फिर, उसमें सॉलिड कुछ भी नहीं है. तो इसी प्रकार से उनका शरीर उतना ही कमज़ोर हो गया जितना वो बुरादा होता है. तो इसमें कोई पावर नहीं है. ये जो हीप, बॉडी को हीप बताया स्लैग का, उसमें जुड़ने की शक्ति नहीं रही. So their bones are also unable to carry the burden of their bodies. इसलिए उनकी बोन जो हड्डियाँ हैं, उनके शरीर का बोझ ढोने में असमर्थ हैं, उसमें हड्डियों में ताकत नहीं है. So we can say that their bodies have become very weak. तो निष्कर्ष ये निकलता है कि उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर है. Skins peeped through by bones. ये जो लाइन कही गई थी इसमें skins ये वाली, skins पहले क्लियर होगी. देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप थ्रू. अब ये लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. देयर इज नो फ्लैश अंडर देयर स्किन. इसका मतलब ये है कि हड्डियों के नीचे मांस नहीं है, फ्लैश नहीं है. द बोन्स ऑफ देयर बॉडीज आर क्लियरली विजिबल. पतली सी स्किन है और हड्डियाँ दिख रही हैं, ऐसा लगता है हड्डियाँ ही झांक रही हैं बाहर. It seems as if the bones are peeping through the skins of their bodies. हड्डियाँ पीप कर रही है, पीप करना होता है झांकना बाहर. They might have found frames of steel spectacles and worn them on their eyes after they had fitted in them some pieces of colored glass of some bottles after some mending. आगे कभी ये भी बताता है कि बच्चों में शौक है, शौक जिसे कहते हैं, एक फॉन्डनेस होती है, अच्छा लगता है बच्चों को दूसरों को जब देखते हैं गॉगल पहने हुए या फैशन करते. इनके मन में भी उद्गार उत्पन्न होते हैं कि ये भी कुछ गॉगल पहने. तो उन्होंने यहाँ पे गॉगल्स का बता रहे हैं कि किस तरह स्पेक्टिकल किसी का फेंका हुआ, चश्मे का फ्रेम या गॉगल्स का फ्रेम उठा लिया होगा इन बच्चों ने, और उसमें बॉटल जो कलर्ड बॉटल होती हैं, उनके रंगीन मिरर वो ग्लास होता है, उसके टुकड़े, कांच के टुकड़े गोल करके फिट किए हुए वो पहने हुए उन्होंने अपना शौक पूरा करने के लिए. ये लाइन यहाँ पे, दे माइट हैव फाउंड फ्रेम्स ऑफ स्टील स्पेक्टिकल. स्टील्स की बने हुए फ्रेम मिला होगा उन्हें.
and worn them on their eyes, अपनी आँखों पे पहना होगा. After they had fitted in them some pieces of colored glass of some bottles, किसी बोतल है कि भी बोतल के कलर्ड ग्लास उसमें फिट किए होंगे, थोड़े बहुत मेंडिंग करके उसको घिस के उसमें फिट किए थे. और दिस शोज दैट दे हैव कॉमन एस्पिरेशंस एंड डिजायर्स एज अदर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड हैव. इससे प्रकट होता है कि उनमें विचारों में उनमें भी उद्गार हैं, उनमें भी एस्पिरेशंस हैं, भावनाएं हैं दूसरे नॉर्मल बच्चों जैसे बनने की. All of their time and space is foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. All of their time and space, उनका सारा वक्त 24 hours और space जो area है, classroom हो गया जिस area में वो रहते हैं, जो कि झोपड़ी उनकी है, slum है, वो सारा foggy, dim है बिल्कुल. एक तो physically light नहीं है वहाँ पे, धुंधला सा atmosphere है वहाँ का, और दूसरा भविष्य उनका उज्जवल नहीं है, इसलिए डबल मीनिंग इसका निकलता है. तो लेखक आह्वान करता है लोगों से टू प्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स, कि जो मैप तुमने इतने शानदार बनाए हुए हैं, दीवारों पर लटका रखे हैं, उनको इनके मैप्स भी उसमें दिखने चाहिए, और भले ही वो ब्लॉट लगे उस पर, धब्बा लगे, होने दो, धब्बा लगने दो, अपने मैप्स पर धब्बा लगाओ. The phrase all of their time stands for their days and nights. ये दिन रात के लिए उपयुक्त phrase है, time word जो use किया गया है. These are all foggy, physically and literally. Physically भी और meaning से भी है, symbolically भी foggy. The space is their slum, in which ये कुछ नहीं है, in which they live. ये space slum है, area है जिसमें रहते हैं. This is also foggy, both physically and literally, और ये भी foggy है, दोनों तरीके से. So blot their maps with slum as big as doom. The poet in strong words, बड़े कड़ाई से कहता है यहाँ पे, कड़े शब्दों में, catches the attention of the authority concerned, जो authority concerned है, government है, उनका ध्यान खींचता है, to insert in their maps, कि वो अपने maps में इन slums को भी insert करें, डालें. Where these poor children live, जहाँ ये लोग रह रहे हैं. The slums have been called as big as doom, और slums को ये comparison किया गया है, यहाँ पे positive degree है, as big as doom, इतना इतने बड़े हैं ये, जितना कि नरक होता है, मतलब नरक बताया गया है उसको, इनके area को जिसमें रहते हैं, slum area को. The word blot has been used intentionally. यहाँ blot word को जानबूझ के use किया गया, इरादे के साथ use किया गया. And it enhances the satire on the sovi maps. एक किस्म से ये satire को बढ़ाता है, उसमें जान डालता है satire. और ये जो sovi maps हैं इनके, दीवारों पे टंगे हुए हैं बड़े चमकीले, इनमें open hand map बताए गए हैं जिसमें हर चीज़ दिखाई दे रही है, और शोवी मैप्स पे ये ब्लॉट बनेगा, लगेगा जब दूसरे लोग देखेंगे ये कहाँ से आ गए स्लम एरिया यहाँ पे, तो पता तो लगे दुनिया को स्लम एरिया का. द गवर्नमेंट्स माइट हैव नॉट शोन दीज स्लम्स इन देयर मैप्स सो दैट देयर प्रेजेंस माइट नॉट ब्लॉट द लुक्स ऑफ देयर मैप्स. उस इरादे पे जो गवर्नमेंट ने किया, जानबूझ के इनको नहीं दिखाया कि वो शोवी मैप्स पे ब्लॉट ना बने, धब्बा ना लगे, तो उस पर तंज किया है, सटार किया, उजागर किया कि तुमने इसलिए नहीं दिखाए कि बुरे लगेंगे, राइट. जैसे कोई मिनिस्टर आता है तो आमतौर पे ऐसी जगह को दिखाते नहीं, और सफाई अभियान वो सारा ड्रामाबाजी हो जाती है कई बार. अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. बड़ी ही अलग सी लाइनें हैं, मीनिंग खींचना पड़ेगा, स्पॉट एकदम सीधा मीनिंग ऊपर नहीं है इसमें. अनलेस का इसका जो जोड़ है कि ये जो जिसके साथ लाइन के साथ जुड़ा हुआ है कहीं और है, यहाँ पे सीधा गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर को एड्रेस किया है कि जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर ये जो आते हैं, गवर्नर आते हैं चेकिंग पे आते हैं, विजिटर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट, और ये जो मैप है लटका हुआ
जब तक ये मैप इनकी विंडो नहीं बन जाता, इनके लिए खिड़की नहीं बन जिसमें से ये देखते हुए आम जो मेन स्ट्रीम है उसमें ना आ जाए, जो मैप इनको दुनिया दिखा रहा है। दो तरह की विंडोज हैं यहाँ पे क्लासरूम में, एक तो मैप ने ऑफर किया है, विंडोज है वो एकदम आदमी लालायित होता है कि यहाँ जाना चाहिए, कोई सीनरी है तो लगता है कि ये देखनी चाहिए, एक तो वो विंडो, एक विंडोज इनकी जिससे झांकते और फॉगी एटमॉस्फेयर दिखता है, धुंधलापन है, आगे क्लोज्ड हो जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं रास्ते, एक तो वो विंडोज। जब तक वो विंडोज टूटती नहीं है, इनको तोड़ा ना जाए जो विंडोज इनको ब्लॉक करती है, और उस विंडो में इनको ले जाया जाए जिस जो इन्हें एक उज्जवल भविष्य दिखाती है, तो ये मतलब है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और ये मैप इनकी जब तक विंडो नहीं बन जाता, एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, और जो विंडोज इनको कैटाकॉम्ब्स की तरह शट करती हैं, ये कैटाकॉम्ब्स है जहाँ पे एंशिएंट टाइम में कैदियों को अंडरग्राउंड रखा जाता था, एक कोठड़ियाँ टाइप गुफाएं थी एक किस्म से, ए सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड पैसेजेस एंड रूम्स वेयर बॉडीज वर बरीड इन द पास्ट, जेल में भी रखा जाता था और बॉडीज को भी यहाँ बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। द पोएट नाउ एड्रेसेस सम वर्ड्स फॉर द गवर्नर्स एंड द इंस्पेक्टर्स ऑफ दीज स्कूल्स, तो कभी एड्रेस करता है गवर्नर्स को, इंस्पेक्टर्स को, दे ऑलवेज कम देयर ओनली टू मेक ए फॉर्मल विजिट, वो आते हैं फॉर्मल विजिट करके चले जाते हैं, आमतौर पर स्कूलों में ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी कभी कभार आए होंगे। They always come there only to make a formal visit. एक औपचारिकता मात्र होती है उनकी। The poet says that the map of the world is meaningless to them. अब कभी कहता है कि the map of the world is totally meaningless for them. जो मैप दिखा रहे हैं बिल्कुल meaningless है, कोई meaning नहीं है उसका। Until or unless these poor children are taken out of the slum areas. जब तक इन बच्चों को until they are taken on some educational trip in the outside world, इस slum area से निकाल के किसी outside world में ले जाया जाए, घुमाने ले जाए इन्हें, ताकि ये दुनिया का पता लगे कि ये है, ताकि वहाँ एक इच्छा प्रकट हो कि हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और हम यहाँ आएंगे, उस hell से बाहर निकल के आएंगे। जब तक एक दुनिया दूसरी ना दिखे इन्हें, ये कैसे निकल सकते हैं यहाँ से, ये तो यही सोचते हैं कि हमारी दुनिया तो बस यही है, यहीं हम रह सकते हैं, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, बाहर कुछ अच्छा इससे बेहतर है ही नहीं। तो उनको जब तक ये चीज़ ना दिखाई जाए तो वो कैसे निकलेंगे बाहर। Unless these poor children are taken out of the slum areas. At present, the windows of their classrooms enable them to look at the outside world. Classroom में windows हैं, तो ये बाहर की दुनिया यहाँ से देखते हैं। But बाहर की दुनिया that does not present a better look for them, or that atmosphere, that everything is blocked. When they watch outside, it seems everything dimmed in foggy. लाइट तो फोग में जो होती है, फोगी लाइट है, मतलब ऊपर सूरज होगा तो सूरज नहीं दिखता, फोग वाली लाइट होती है, धुंधला है, एवरीथिंग इज फोगी, तो उसमें से कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। बट द वर्ल्ड सीन बाय देम इज फोगी एंड डार्क, जो दुनिया दिखती है इन्हें खिड़कियों में से वो बिल्कुल अंधेरे से भरी पड़ी है, फोगी है। इट्स नो मोर ब्यूटीफुल फॉर देम, ये सुंदर नहीं है इनके लिए। Their life is lost in those dark and foggy lanes, और इनका जीवन इन्हीं अंधेर में, गलियों में, narrow street में खो गया है, बस यहीं ख़त्म हो जाना है, इन्हें catacomb की तरह यहीं पे मर जाना है, यहीं दफन हो जाना है। Which seem to lead them to their graves, और ये graves भी यहीं बननी है, इनकी कब्रें यहीं बननी है, catacomb जब ही तो दिखाया है यहाँ पे। Their classroom and their small homes are like catacombs. इनके classroom और छोटे छोटे घर catacombs की तरह है, underground जो graves बनी हुई हैं उस उनकी तरह। इसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है इन्हें बेचारों को, तो क्या कोशिश करेंगे बाहर निकलने की, habitual हो चुके हैं, अपने किस्मत से इन्होंने समझौता कर लिया है कि यही है सब कुछ हमारा। Break, oh break open till they break the town and sow the children to green fields and make their world
run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. बड़ी inspiring lines हैं और meaning कहीं खो जाता है इन लाइनों में भी, तो पढ़ते हैं इसे. Then the poet makes an appeal to the governors. अब बड़े strong शब्दों में कड़ाई से appeal करता है governors को, inspectors को, visitors को, to break their windows before they break the town. इससे पहले कि ये बगावत कर दें, इनमें जोश आ जाए, बगावत का रेवोल्यूशन आ जाए, शहर को तोड़ दें, इनकी विंडोज को तोड़ दो आप, जो इन्हें ब्लॉक करती हैं. To break their windows before they break the town. They may be allowed to move out of these narrow lanes. इन्हें आज्ञा मिलनी चाहिए, बाहर दिखाओ इन्हें बाहर की दुनिया, ताकि वो नैरो स्ट्रीट से, लेन से बाहर आए. कम इन अंडर द ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे घूमें, दौड़ें नीले आसमान पे के नीचे. दे वुड वॉच ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों में जाएं, प्रकृति का नज़ारा लें, वहाँ तो कुछ नहीं है. एंड प्ले देयर इन गोल्डन सैंड अंडर द ब्लू स्काई, किसी समुद्र के बीच पे, सी शोर पे जाके, जो रेत होता है, इवनिंग टाइम हो और गोल्डन रेज उस पर पड़ रही हो, तो गोल्डन सैंड इसलिए कहा कि शाम के वक्त गोल्डन लगता है. उस नज़ारे को देखें, ये खुश हों, प्रकृति की गोद में आएँ, इनकी ग्रोथ नेचुरल वे से होगी और ये पढ़ेंगे तो ये आह्वान कवि करता है. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, इसका मतलब द लाइन लेट देयर टंग्स शुड रन नेकेड इनटू द बुक्स द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन मींस दे शुड बी अलाउड टू रीड देमसेल्व्स विदाउट एनी रिस्ट्रेंट. रन नेकेड का मतलब है कोई दबाव ना हो, कोई रिस्ट्रेंट ना हो उन पे, कोई किसी का किसी की फोर्स ना हो, नेचुरल वे से ये पढ़े, पुस्तकें बुक्स पढ़ें, प्रकृति को पढ़ें, प्रकृति को समझें. दे शुड बी अलाउड टू रीड देमसेल्व्स विदाउट एनी रिस्ट्रेंट और इंटरफेरेंस, कोई बीच में इंटरफेरेंस ना हो. व्हाट दे लाइक टू रीड, जो वो पढ़ना चाहे फ्रॉम द बुक्स एंड द नेचर, एंड नेचर और प्रकृति से जो पढ़ना चाहे, दबाव ना हो. लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स, बिना, दे शुड बी अलाउड टू रीड बुक्स विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी इंटरफेरेंस और विदाउट एनी लिमिटेशन. लेट देम रीड व्हाट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम द बुक्स. दे शुड टर्न ओवर द लीव्स, वाइट लीव्स ऑफ द बुक्स एंड लीव्स ऑफ द ऑफ नेचर, ग्रीन लीव्स, उसको भी एक्सप्लोर करें. द वाइट लीव्स ऑफ द बुक्स एंड द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज वुड प्ले एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ देयर लाइफ. प्रकृति भी और वो बुक्स भी इनकी ग्रोथ में रोल, इक्वल बराबर रोल अदा करेंगी. इन द एंड द पोएट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स टू द पीपल हुज चिल्ड्रन आर फ्री टू मूव एनीवेयर. और आखिरी लाइन जो है हिस्ट्री बिलोंग्स वाली, तो कवि एक अलग से देता है मैसेज कि हिस्ट्री उन्हीं की होती है जो फ्रीली मूव करते हैं कहीं पे भी, एनीवेयर इन द ओपन फील्ड्स, खुले प्रकृति में रहते हैं. द सन मूव्स फ्रीली इन द स्काई एज द सन, जैसे सूरज फ्रीली घूमता है, इसी प्रकार से जो बच्चे किसी दबाव में ना हो, पढ़ेंगे लिखेंगे, प्रकृति को भी स्टडी करेंगे और वो फलेंगे फूलेंगे. वही लोग जो पढ़ लिख जाएंगे वही कुछ बनेंगे, अदरवाइज जो नहीं पढ़ेंगे, जो घूमेंगे नहीं, दुनिया का जिन्हें पता नहीं है, तो उनको कौन याद करता है. In the end, the poet says that history belongs to the people whose children are free, जिनके बच्चे free हैं, आजाद हैं, to move anywhere in the open fields, खुले खुले खेतों में जाए, सूरज के नीचे. सारे symbolic हैं, मतलब जिन्हें पूरी आज़ादी हो कुछ भी करने की, अपने मन की इच्छा के अनुसार वो प्राप्त करें, अपने मन के अनुसार वो पढ़ें जो भी उनको पढ़ना है, और मन के अनुसार प्रकृति में भी जाएं, घूमें इधर उधर, वो नॉलेज गेन करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए. तो पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज़ की गई हैं उनका यूज़ बता रहे हैं आपको. फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, पोएम ख़त्म हो जाती है यहाँ पे. एक ये रेपिटेशन भी है यहाँ पे, और ये एफ एफ फ साउंड यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी होता है.
अकरेंस ऑफ द सेम कंसोनेंट लेटर, जो एक ही कंसोनेंट लेटर एक ही सीरीज में चलते हैं, एक ही लाइन में आगे पीछे, तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं. फ्रॉम, फॉग, ये भी है. ब्रेक, ओ ब्रेक, बी बी आ रही है यहाँ पे. और सिमली में लाइक वर्ड चलता है आमतौर पे, एस चलता है ये सिमली. लाइक रूटलेस वीड्स, ये सिमली का यूज था यहाँ पे. मेटाफर ये है पेपर सीमिंग बॉय, रेड आइज, मैप. जब किसी को डिफरेंट चीज के साथ बना देते हैं कि ये तो मैप है, रेड साइज हैं, उनकी आंखों को रेड साइज बोल दिया, मतलब एग्जेजरेट करके इमेजरी एक्सटेंडेड कंपैरिजन होता है, तो मेटाफर बन जाता है. पिक्चर भी बनती है साथ में और किसी और चीज के साथ जो बिल्कुल डिसोसिएट करेगी, आपस में कोई मेल नहीं होगा उसका. सील्ड विद ए रेड स्काई, क्रैप्ड होल्स, एंडलेस नाइट, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, ये सारे मेटाफर्स हैं. शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ, ये बनते हैं, आप इनके आंसर ट्राई कीजिए. व्हाई हैज द मैप बीन कॉल्ड ए बैड एग्जांपल फॉर स्टीफन बाय स्टीफन स्पेंडर, ये बिल्कुल आंसर मिलेगा आपका, दिया हमने, बातें करी हैं. व्हाट डज स्टीफन स्पेंडर वांट टू बी डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन देयर लाइव्स चेंज्ड, तो मैसेज क्या है इसमें, क्या किया जाना चाहिए, खिड़कियाँ तोड़ देनी चाहिए, वो वर्ल्ड को ओपन, इनके लिए विंडोज बननी चाहिए जो बाहर घूमेंगे, इस तरह की बात करनी है आपको इसमें. व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर से दैट द पिक्चर्स एंड मैप्स इन द एलिमेंट्री स्कूल ऑफ स्लम आर मीनिंगलेस, ये पिक्चर्स मैप ये मीनिंगलेस हैं, क्यों कहा. How does the world depicted on the walls of the slum school differ from the world of the slum children? यहाँ कंट्रास्ट बताना है, बाहर के वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है. How does the poet describe the walls of the classroom? ये सीधा क्वेश्चन है, क्लासरूम में क्या क्या दीवारों पे लटका हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, या नहीं. How does the poet describe the walls? हाँ, walls को कैसे डिस्क्राइब किया है, वॉल्स पे वो चीज़ें भी लटकी हुई हैं और वो जो सावर टाइप स्मेल, सावर क्रीम जैसी स्मेल आ रही है, वो भी बताओगे आप. द पोएट सेज एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, विच वर्ल्ड डू दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू, किस दुनिया से बिलोंग करती हैं, करते हैं. विच वर्ल्ड इज इन एक्सेसिबल, और कौन सी दुनिया इनके लिए अनअप्रोचेबल है जहाँ ये पहुँच नहीं पाते. दोनों वर्ल्ड का कंट्रास्ट बताया, उनका अपना और जो दुनिया बाहर की है जहाँ इनकी पहुंच नहीं है बेचारों की. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, उनके चेहरों को कैसे डिस्क्राइब किया, ये क्वेश्चन है. गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सम चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, कुछ बच्चों के चेहरों के बारे में जो दिखाया गया है, चेहरे या फिर उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया, वो बताना आपको. डिस्क्राइब व्हाट इज देयर ऑन द वॉल ऑफ दिस, ये वॉल पे क्या है ये बताओगे. What does the poet say about the open-handed map? Open-handed map के बारे में क्या बताया गया है? What is the actual world of the slum children? Actual world क्या है slum children का? दरिद्रता, गरीबी, वो चीजें सारी बताओ. कुपोषण. Why does the poet call Shakespeare wicked? Shakespeare को wicked क्यों कहा है? बार-बार हमने बताया ये सारी चीजें. तो this video lecture ends up here. Poem भी यहाँ समाप्त होती है. And after that we shall come with another poem or lesson. Till then, have a nice day. Thank you.